अच्छा सौरभ, एक बात देखो कि यहाँ पे पानी है और पूरा एकदम हमने भर दिया। भरने के बाद ऊपर में हमने आइस दे दिया, तो अगर ये आइस मेल्ट होगा जो कि पानी के ऊपर तैर रहा है, ऊपर ऊपर दिख रहा है, ग्लास के ऊपर है, तो मेल्ट होने के बाद ये पानी बनेगा, तो क्या ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा? सर, इस टाइप का क्वेश्चन तो मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ कि मैंने जब IIT की तैयारी करी थी तब भी ये क्वेश्चन था। मैंने मेरे फ्रेंड्स पूछते थे, वो नीट की तैयारी कर रहे थे, उसमें भी सेम क्वेश्चन था। गेट की मैंने प्रिपरेशन करी, उसमें भी था, और ES की में भी था, और इंटरव्यू में भी पूछा मेरे से एक दो। हालांकि इसका आंसर तो मुझे पता है कि पानी नहीं गिरता, लेकिन आज तक मैं कंफ्यूज हूँ कि पानी क्यों नहीं गिरता। क्योंकि जब आइस मेल्ट करेगी तो वाटर बनेगी, और वाटर पहले से फुल है उसका बिल्कुल बाउंड्री तक, तो पानी तो बाहर आना चाहिए। लेकिन मैं आज तक इस क्वेश्चन में तो कंफ्यूज हूँ कि ज्यादा कहाँ है पानी। तो देखो, हमने आइस को फ्लोट करा दिया, बहुत सारे आइस मैंने इसमें डाल दिया, सो दैट इसका वाटर, आप देखो ऐसे आइस डाल दिया, लेकिन आइस तो फ्लोट कर रहा है, तो मेरा एकदम फुल टू ब्रिम पानी भी भरा हुआ है, आइस भी फ्लोट कर रहा है। सवाल ये होता है कि ये आइस जब पूरा मेल्ट हो जाएगा तो इसका लिक्विड गिरेगा कि नहीं? मंडल बोलता है नहीं गिरेगा, तो चलो देखते हैं गिरेगा कि नहीं। आप देखो, सारे बर्फ ऊपर की तरफ दिख रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ा रखा हूँ वीडियो का, सो दैट फटाफट फटाफट मेल्ट हो जाए। देखो, एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा है। आइस मेल्ट होता जा रहा है, अंदर घुसता जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा है, क्योंकि उतना ही वाटर बनेगा जितना उसका वॉल्यूम था। इसके कारण एक बूंद भी पानी नहीं गिरा, एकदम फुल टू ब्रिम पानी है, फिर भी नहीं गिर रहा है। देखो एक्चुअली चीज ऐसा है कि ये जो बायंसी एंड फ्लोटेशन, जो फ्लोटेशन का मेन प्रिंसिपल है, उसमें जो चीज फ्लोट कर रहा है उसका जितना वेट है वो एग्जैक्टली उतना वाटर डिस्प्लेस करके रखा है। आप जैसे ये आइस है, मान लो एक आइस मेरा 100 ग्राम का है, अब वो 100 ग्राम का आइस है इसलिए उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है क्योंकि उसका डेंसिटी कम है, लेकिन वो है तो 100 ग्राम। अब उसने 100 ग्राम का ही वाटर डिस्प्लेस करके रखा है। अब अगर वो 100 ग्राम का 100 ग्राम ही वाटर डिस्प्लेस करके रखा है तो ये तो मेल्ट होने के बाद 100 ग्राम का ही वाटर बनेगा, तो फिर वो जो वाटर है वो तो उतना ही बनेगा जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया। तो क्या होगा कि ये जो आइस है वो ऊपर की तरफ रहने का इसका कारण क्या है? इसका रहस्य ये है कि उसका डेंसिटी कम है। इसलिए आपने देखा होंगे कि जैसे समुन्द्र में भी ऐसे आता है कि वाटर इस तरह से दिखता रहता है कि जैसे पानी है उसके ऊपर वाटर कुछ दिखता है, लेकिन पानी के नीचे भी बहुत बड़ा एरिया रहता है। अब क्या हुआ कि ये जितना वाटर इसने डिस्प्लेस करके रखा है उसका वेट उतना ही है, तो ये जब खुद वाटर बन जाएगा तो वो उतना ही वाटर बनेगा क्योंकि इसका डेंसिटी कम है। आपका आइस का डेंसिटी कम है तभी तो उसका वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा हुआ। तो इसके चक्कर में जो हम बाहर दिख रहा है वो बाहर इसलिए है कि उसका डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन अगर ये मेल्ट हो जाएगा तो जितना ये अंदर में आप देख रहे हो ना, जितना अंदर में देख रहे हो इतना ही वाटर ये बना पाएगा। तो जब भी देखोगे किसी भी केस में, जैसे ये जो बाहर हम दिख रहा है कि ये बाहर कितना है, जब वाटर बनेगा वो जितना वाटर डिस्प्लेस किया उतना ही वाटर बनेगा। तो इसलिए ये जो ऊपर में पोर्शन है वो पोर्शन का वेट नहीं, पूरा जो आइस का वेट है वो पूरा वाटर का जो वेट है उसका बराबर है। यही फ्लोटेशन का प्रिंसिपल है। उसके कारण आप जैसे ही देखोगे, इसका मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं, आप देखो कि ये जो आइस वाला चीज है, मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूं, पूरा मेल्ट होने दो, पूरा मेल्ट होने दो, एक बूंद भी पानी बाहर नहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो उतना ही वाटर डिस्प्लेस करके रखा है जितना ये हो पाएगा। अब थोड़ा देखते हैं कि हमारा इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आया है। देखो देखो, इस प्रिंसिपल को यूज करके हमने गेट का, IAS का, सिविल सर्विस का कितना सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, दिस गेट 2019 एंड IAS। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, ये सारा क्वेश्चन का लिंक, इसका जो PDF है उसका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, एंड विद द आंसर। तो आप पहले अपना खुद से प्रयास करें, करके फिर आंसर देखें कि आप सही कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये आपका IAS मतलब सिविल सर्विस का प्रीलिम्स में आया था, ये आपका IAS 2013 में आया था, ये आपका IAS 1999 में आया था, ये IAS 2012 में आया था, ये आपका IAS 2006 एंड 2016 में दोनों बार आया था, ये IAS 2007 में आया था, ये गेट का 2014 में आया था, गेट 2014 वाला सेम क्वेश्चन है, IAS 2019 में आया था,
ये 2016 में आया था, आईएएस 2015 में आया था एंड आईएएस 2011 में आया था। ये आईएएस का दो बार आया है 99 में एंड 2018 में एंड ये आपका आईएएस 2014 में आया था। आप जाके आईएएस 2021 में आया था, आईएएस 2021 में आया था, आईएएस 2000 में आया था। तो मतलब आप देख रहे हो कि भर भर के क्वेश्चन आया था इसी से बेस करके। तो ये पहले प्रैक्टिकली हमने आपको दिखाया एंड उसके बाद आपने अगर ऐसे प्रयास करोगे हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप दे पाओगे।